पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे तो एक चीज ये हमारी दिशा में आ जाती है कि हमें अलग तरीके का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देश ने क्या क्या कदम उठाए हैं और इससे कौन कौन सी कंपनी अच्छी हो सकती है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी और इसके अंदर हमारी क्या मंशा उन कंपनियों में लग लेनी चाहिए। सर देखो सर, जहां पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे तो एक चीज़ ये हमारी दिशा में आ जाती है कि हमें अलग तरीके का फ्यूल ईजाद करना पड़ेगा। उसके लिए सरकार भी और वर्ल्ड भी कुछ ना कुछ काम करती जा रही है। जिस तरीके से हमारे यहाँ एथेनॉल और पेट्रोल मिक्स करके गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, उसके लिए चीनी मिले और हमारी पेट्रोल जो ब्लेंडिंग करेगी उनमें बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से हाइड्रोजन से भी सऊदी अरब भी अपने यहाँ एक बड़ा हब बना रहा है, उसके लिए हर देश अपने को तैयार कर रहा है और वहीं पर हमारा देश भी इसके लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको हाइड्रोजन पे ज़्यादा वर्क होता हुआ देश में दिखेगा और देश हमारा ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करता हुआ हाइड्रोजन को दिखेगा। इसकी एक रूपरेखा सरकार ने बना ली है। सर सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए $2 अरब प्रोत्साहन देने की एक मंशा इस बजट में बनाने की उम्मीद जताई है और इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि किन कंपनियों में हम दाव लगाएं, किन कंपनियों को अपने साथ रखें। सर साफ साफ जब भी कोई न्यूज आती है तो उसके साथ साथ एक कंपनी की भी एक लाइन लग जाती है कि कौन कौन सी कंपनियां इस क्षेत्र में काम करेगी। सर तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो सर, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कौन कौन सी कंपनियों की बड़ी बड़ी परियोजना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर रिलायंस इंडस्ट्री इस क्षेत्र में काम कर रहा है, JSW एनर्जी भी इस क्षेत्र में काम करेगा, NTPC सरकारी जो कंपनी है वो भी इस क्षेत्र में काम करेगी और IOC वो भी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी इस क्षेत्र में काम करेगा और अडानी इंटरप्राइजेस तो आपको पता ही सर, जाना माना नाम जिनके शेयरों ने धूम मचा रखे है वो भी इस क्षेत्र में काम करेगी और एकम सोलर भी इस क्षेत्र में अपनी बड़ी परियोजना के साथ काम करेगा। जब सरकार $2 अरब की प्रोत्साहन राशि के साथ ये वर्क करवाना चाह रही है तो सरकार का उद्देश्य ही बड़ा है, उद्देश्य ये बड़ा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उत्पन्न करके निर्यात करे और जब कुछ चीज़ यहाँ से बाहर जाती है तो वो पैसा डॉलरों में आता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रगति जो है बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। जब दिशा हमारे देश की हर चीज़ अपने आप उत्पन्न करने की हो रही है तो प्रगति की तरफ हमारा भारत बढ़ता जा रहा है और ये जो कंपनियां मैंने आपको बताई है ये एक प्रोत्साहन की लाभ उठाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को वर्क करके दिखाएगी और सरकार फिर ज़्यादा इनके अंदर और ध्यान देगी। तो ये सारी कंपनियों की अपनी एक रडार पर रखना चाहिए। अब हमें इसके अंदर भी छाटना चाहिए कि सर कंपनी तो सर सारे काम करेगी, कोई 10% करेगा, कोई 20% करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हमारे जो अडानी जी हैं, गौतम अडानी जी, उनकी जो मंशा है ना, जून में उन्होंने बता दी थी, उन्होंने कहा था कि जो फ्रांस की कंपनी है टोटल एनर्जी एक संयुक्त ब्रांड बनाएंगे अपना, दोनों मिलकर हाइड्रोजन के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी एक परियोजना को स्थापित करेंगे। तो ये गौतम अडानी जी ने एक सपना पहले ही देख लिया था, जून में उन्होंने अपने एक भाषण के द्वारा बता दिया था। तो कहीं ना कहीं अडानी इंटरप्राइजेस की रिझा यहाँ पर और ज़्यादा मजबूती की तरफ दिख रही है। IOC हमें क्यों मजबूती की तरफ दिख सकता है, एक तो सर वो ग्रीन एनर्जी के लिए भी काम कर रहा है, एक तो वो चार्जिंग स्टेशन के लिए भी काम कर रहा है, एक वो एथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए भी काम कर रहा है और इनके जो पेट्रोल पंप होंगे वहाँ पर भी आपको एथेनॉल और पेट्रोल मिक्स करके मिला करेगा। तो ये बहुत ही बड़ी परियोजना के साथ हमें दिख रहा है और सिलेंडर के लिए भी काम करता है आपको पता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क एक IOC में भी रखना चाहिए, ये मेरी एक मंशा है। बाकी आपकी जो भी मंशा इस न्यूज़ से लग रही हो वो आपको अपने अनुसार कर लेनी चाहिए। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।